हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे करियर ऑप्शंस, यानी दसवीं के बाद किसी भी स्ट्रीम को जाने बिना कि उस स्ट्रीम में क्या चीज होती है, उसमें क्या करियर ऑप्शन है। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो ये अंधेरे में तीर लगाने जैसा होगा, क्योंकि आपने अगर अभी सभी स्ट्रीम के बारे में नहीं जाना तो आपको एक साल बाद रियलाइज होगा कि काश मैंने वो वाला सब्जेक्ट या वो वाला स्ट्रीम चुना होता, कोई दूसरा स्ट्रीम चुना होता। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों कई सारे लाइन है दसवीं के बाद, कई सारे स्ट्रीम्स हैं। जैसे दसवीं के बाद आप कंप्यूटर कोर्स भी करके आप अपना करियर बना सकते हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तो स्ट्रीम है ही, साथ साथ आईटीआई भी है, पॉलिटेक्निक भी है, मेडिकल के भी शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो दसवीं के बाद करवाए जाते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शन है साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अलावा। तो आप पहले इन सभी स्ट्रीम के बारे में जाने, फिर आप डिसीजन लें कि आपको क्या चूज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में, यानी करियर इन कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में कैसे कैसे कौन कौन से कैरियर लाइफ है, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कॉमर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस एंड टैक्स एंड ह्यूज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एटसेट्रा। कोई भी कंपनी को देख लो या कोई भी ऐसी संस्था को देख लो, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडस्ट्री को देख लो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, हॉस्पिटल हो या तक स्कूल, मतलब जितने भी छोटे मोटे संस्था से लेकर बड़े बड़े संस्था तक, दुकान हो या बिजनेस हो, सभी में अकाउंट फील्ड का बंदा होता ही है, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब किताब को मेंटेन करना जरूरी है। और आजकल तो वैसे भी टैक्स को लेकर के काफी अपॉर्चुनिटी है, सभी को अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जहाँ पर फाइनेंस की बात आ गई, अकाउंट की बात आ गई, तो वहाँ पर तो अकाउंटेंट की जरूरत होती ही होती है। यहाँ तक कि आजकल तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अपने पर्सनल अकाउंटेंट भी रखते हैं। हॉस्पिटल में भी तुम और भी खर्चों को मेंटेन करने के लिए, वहाँ के एक्सपेंस को, वहाँ के इनकम्स को देखने के लिए, वहाँ के बिल को देखने के लिए एक कलर की अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स, यानी जहाँ पैसा वहाँ कॉमर्स। और इन सब जगहों पर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अकाउंट का बंदा तो चाहिए ही चाहिए। और आज जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, भले ही वो 12th तक पढ़े न हो, पर वो इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका माइंड प्रॉफिट कैसे करना है, कॉस्ट कैसे कम करना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, इन सब बातों में उनका दिमाग ज्यादा ही वर्क करता है। तो इन सब में उनका माइंड अच्छे से काम करता है, तो वो सब चीजें आपको कॉमर्स में पढ़ने को आएगी या कॉमर्स में पढ़ने को मिलेगा। कॉमर्स सिर्फ जॉब या डिग्री के लिए नहीं है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कोई कंपनी का सीईओ, जीएम या एमडी बनना चाहते हो, तो भी ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और इससे रिलेटेड और भी बहुत बड़े बड़े कोर्स है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, अगर आप ये सब चीज चाहते हो तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। और सभी का एक ही एम होता है कि वह किसी भी फील्ड में टॉपर बने, पर कॉमर्स में ऐसा नहीं है। इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिकल आप करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। और हाँ, अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है और आप एक बिजनेसमैन की तरह सोच सकते हो, तो ये फील्ड 100% आपके लिए है। अगर आप कॉमर्स में लाइफ बनाना चाहते हो तो आपको करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, है ना, स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, इंडिया के इकोनॉमी में या पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चीज़ें अप डाउन हो रही है, उनकी वैल्यू क्या हो रही है, बजट क्या है, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, 11th 12th में बस बेसिक ही आएंगे, पर इन सब चीजों की अगर आप हैबिट बना लोगे तो अच्छा ही है। नॉर्मली इसमें आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन सीखने को मिलता है और आपको आईटी भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सभी कंपनी सॉफ्टवेयर पे ही काम होते हैं, कंपनी के अपने अपने न्यू टेक्नोलॉजी होते हैं, तो आईटी का भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। और आप सीए भी बन सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इसमें अच्छे से करियर बनाना चाहते हो तो आप इसमें सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो। और सीए के बारे में तो जानते ही हो, सीए इज द इंडियाज टफेस्ट एग्जामिनेशन, और इन सब का बेसिक नॉलेज 11th 12th में ही दिया जाता है, 11th 12th के कॉमर्स में दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप किसी और टॉपिक में भी, किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्ट्रीम का वीडियो मैं बनाऊँ कि उस स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना होता है, कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस है, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और कुछ पूछना हो, कुछ आपके मन में डाउट हो या किसी भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि और कोई भी इस वीडियो को देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।